नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने फिल्म गांधी कोर्ट से एक युद्ध का ट्रेलर देखा है और दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद में मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये ट्रेलर बवाल है, माइंड ब्लोइंग है, बॉक्स ऑफिस पर ही आग लगा देगा। दोस्तों सबका ध्यान पठान की तरफ है, 25 जनवरी को पठान रिलीज हो रही है, सबका ध्यान पठान की तरफ है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म इतनी जबरदस्त होने वाली है, इतने जबरदस्त इसके हार्ड हिटिंग डायलॉग है जिसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों गांधी जी और गोडसे के बीच विचारों का युद्ध पर ये फिल्म राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है। दीपक असानी ने इस फिल्म में गांधी जी का किरदार प्ले किया और दोस्तों चिन्मय मंडेलकर ने इस फिल्म में नाथूराम गोडसे का किरदार प्ले किया। वहीं दोस्तों राजकुमार संतोषी की बेटी तनिषा ईरानी भी इसमें अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। तो दोस्तों शुरू में ही जो डायलॉग है इतना जबरदस्त है कि गांधी जी के कारण इन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदुओं का कत्ले आम किया है और गांधी देश से ऊपर है, गांधी संविधान से ऊपर है, गांधी कानून से ऊपर है, गांधी महात्मा नहीं, गांधी डोंगी है। इस तरह के जबरदस्त हार्ड हिटिंग डायलॉग आपको शुरू में ही सुनने को मिलते हैं और नाथूराम गोडसे कह रहे हैं कि इस गांधी को मारना जरूरी है वरना हिंदुओं का इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद में भी गांधी को गोली भी मार देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हकीकत की तरह गांधी जी मरते नहीं है बल्कि नेहरू जी आकर के खुद कहते हैं कि गांधी को बचा लिया गया है। और उसके बाद में दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि वो नाथूराम गोडसे से मिलना चाहते हैं और वो मिलने के लिए सेंट्रल जेल जाते हैं। वहां पर गांधी जी और गांधी जी और गोडसे के बीच में जो बातें होती है माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब फेस ऑफ सीन है। नाथूराम गोडसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको मारना जरूरी है क्योंकि आप महात्मा नहीं, आप पाखंडी है, आपने देश का बंटवारा किया है, आप हिंदुस्तान के बंटवारे के दोषी हो। और गांधी जी बचाओ में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं किया है और तुम हिंसा से किसी को खत्म नहीं कर सकते, हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जबकि नाथूराम गोडसे कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी होती है। मतलब कि दोनों ही कलाकारों को जबरदस्त फुटेज दिया गया है, दोनों के ही विचारों को पूरी तरह से यहाँ पे खोल करके रख दिया गया है और डायलॉग में किसी तरह का छुपा, किसी तरह की कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। बिल्कुल जोंक के त्यों और जबरदस्त तरीके से डायलॉग बोले गए। एक सीन में गांधी जी जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता भी बैठे हैं, यहाँ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, आजादी मिल गई है देश को, तो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये भी डायलॉग जबरदस्त है। और बिहार अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक सीन में ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये देश है वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए, संविधान सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ होना चाहिए, ना कि किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ सबसे बड़ा होना चाहिए। तो काफी जबरदस्त हार्ड हिटिंग डायलॉग है। इसके अलावा नाथूराम गोडसे का अंत में एक ये भी डायलॉग है कि एक दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस पर भगवा ध्वज लहराएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, इतने जबरदस्त यहाँ पर डायलॉग बजी है, इतने शानदार डायलॉग्स है कि आपका दिल दहल जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ राजकुमार संतोषी बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है, घातक घायल दामिनी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में वो दे चुके हैं और एक बार फिर से वो अपने पूरे रंग में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जहाँ पठान की चर्चा है मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फिल्म डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। इस फिल्म के कंटेंट में दम है, डायलॉग्स में दम है और रियल स्टोरी को, रियल जो कंटेंट है उसको जिस प्रकार से एक फिल्म की शक्ल में पेश किया गया और जिस प्रकार से कलाकारों की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आ रही है, जिस प्रकार से स्क्रीन प्ले और कंटेंट नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल पैदा कर सकती है, गदर मचा सकती है, विवादों में जरूर फिल्म आ सकती है क्योंकि डायलॉग्स बहुत जबरदस्त है। और मुझे लग रहा है कि गांधी जी के विचारों को तथा गोडसे के विचारों को दोनों को ही पूरा मौका दिया गया है यहाँ सुनने का, बोलने का, समझने का। देश की जनता तय करे कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक बहुत रियल टॉपिक पर हिम्मत बनाने का ये साहस किया है राजकुमार संतोषी ने या दुस्साहस किया है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन विजुअल्स बेहतरीन है और कलाकारों के जो कॉस्ट्यूम्स है बहुत शानदार है, सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है, डायलॉग सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के और डायरेक्शन कमाल का है। तो ये फिल्म एक जबरदस्त बवाल पैदा बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली करने वाली है। मुझे ये ट्रेलर पठान के ट्रेलर से कई गुना अच्छा लगा है और मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये ट्रेलर डेफिनेटली बवाल ट्रेलर है और माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, सुपर्ब ट्रेलर है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कमाल कर सकती है अगर इसको सही से प्रमोट किया गया तो। दोस्तों मैं इस ट्रेलर को रेटिंग दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, कम से कम 4 स्टार, बल्कि इसको 4.5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा ट्रेलर कई दिनों के बाद में देखा और इतनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस भी कई दिनों के बाद में देखी है।
तो दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।